और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एयर पंप, जो कि गाड़ी की हवा में भरने के लिए यूज़ होता है। और अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है, तो एक बार देखते हैं, हम ऐसे ही अनबॉक्सिंग कर देते हैं भाई। अभी अभी अमेजोन से मैंने मंगवाया है और बिल्कुल जस्ट अभी दे के गया है, अब मैंने देखा भी नहीं है कैसा है भाई। पैकिंग कोई ख़ास पैकिंग तो करके दी नहीं है, नॉर्मल से गत्ते में दे दिया। और ये अपना बिल है, इसका प्राइस 1393 रुपये का मेरे को पड़ा था। ओ, एक और पैकिंग, गो मैकेनिक का है ये, एक बार इसको देखते हैं यूज़ करके भाई। देखने में तो बहुत छोटा सा लाइट वेट है, और ये इसका साइज है, छोटा सा है लाइट वेट। दो फ्यूज़ मिले हैं और तो कुछ है नहीं, और इसकी एक वायर है, पता नहीं कहाँ से निकलेगी, कोशिश जा रही है भाई इधर का ही निकल जाए भाई, कुछ तो निकले, इधर का ही निकाल के देख लेते हैं कुछ तो निकले। और ये वायर मेरे को बहुत लंबी मिली है, इसकी पता नहीं कितनी मीटर की वायर है, और ये 12 वाट 120 पावर जो है 120 वाट का है, और वोल्टेज है 12 वाट, और जो वायर की लेंथ है वो है 3 मीटर। हमने निकाल लिया, ये आखिरकार निकल ही गया है, पता नहीं कैसे बहुत बुरी तरीके से फंसा रखा है, मतलब कि ओहो इतना बड़ी इतनी लेंथ है, काफ़ी छोटी लेंथ है, पर देखते हैं एक बार, अब हवा भर के देखते हैं कैसा यूज़ कर रहा है ये। मेरे को भी चलाना नहीं आता, एक बार चला के देखता हूँ, पहले देख लेता हूँ कैसे चलेगा, इसका मैनुअल पढ़ लेता हूँ एक बार, और फिर एक बार यूज़ करके देखते हैं कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी एक बार जो है मैंने लगा दिया है यहाँ पर इसका वायर डायरेक्टली, और इंजन को हम स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करना क्योंकि ज़रूरी था, और इसका वायर देखते हैं अब लगा के कैसे काम कर रहा है। एक तो मेरे को इसमें मिलती है फ्लैश लाइट रात में अंधेरे में यूज़ करने के लिए, और ये देख लो भाई गो मैकेनिक का है। अब एक बार इसको देखते हैं यूज़ करके कैसे काम कर रहा है। वायर मेरे को बहुत छोटा लग रहा है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, ये हमने कर दिया यहाँ पे फिट। कितना दिखा रहा है 21, हम कर देते हैं 35। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो भाई, और साउंड भी बहुत कर रहा है। उम्मीद नहीं थी कि इतना वाइब्रेशन करेगा ये। अभी हवा हो गई 26, मैंने 35 सेट करा है। हवा लिगिस को नहीं मार रही है, लिगिस को कहीं से नहीं मार रही है। देखना ये है कि ये 35 पर आकर अपने आप रुकता है या नहीं। 31 मैंने 35 हो गया, लेकिन अभी तक रुका नहीं है भाई, कहाँ जाकर रुकेगा। अभी देखना है ये रुकेगा या नहीं रुकेगा। 35 हवा हो चुकी है, तो इसका मतलब ठीक काम कर रहा है, मतलब अपने आप रुक गया भाई। यहाँ से स्विच अगर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना, तो इसको बंद नहीं करना है, ऑफ नहीं करना है, इसको चालू ही रहने देना है, वरना यहाँ से खोलते ही तुरंत हवा निकलने लग जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। इस टायर में 24 हवा थी, जो कि मैंने 35 कर दी है। एक बार उस वाले टायर में चेक करके देखते हैं कि उसमें भी इतनी थी, ये हवा भी सही चेक कर रहा है या फिर ऐसी भाई ड्रामा है, बेकार फिजूल खर्ची, मतलब काम भी सही करना चाहिए ना, पता चले कि हवा क्या पता कि सही है और ये बता रहा हो गलत। तो एक बार इस टायर में भी चेक करके देख लेते हैं कि कितनी हवा है। जहाँ मोबाइल का सॉकेट लगाते हैं ना, वहीं पे लगाना पड़ता है इसको। गाड़ी इंजन स्टार्ट कर देता हूँ मैं एक बार। इसमें मेरी को हवा दिखा रहा है, इसमें भी 21 हवा दिखा रहा है भाई। इसमें एक बार 35 चेक कर लेते हैं हवा भर के। 30 PS हवा थी इसमें, 35 देखते हैं कितने मिनट में होती है।
मतलब 5 PS हवा कितनी देर में बढ़ जाती है। साउंड बहुत कर रहा है पर यार ये 35 हवा हो गई है, पता नहीं बंद होएगा नहीं होगा, देखते हैं। अभी तो भर ही रहा है भाई, हो गया बंद। मुझे एक बार उसमें भी चेक करना है दोबारे से, एक बार और इसमें मैं चेक करूँगा कि हवा कितनी थी। इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है हमें, हवा मतलब ज़्यादा, अगर हवा ज़्यादा हो जाती है ना तो हमें खुद से यहाँ से निकालनी पड़ेगी दबाकर, और उसके बाद फिर दोबारा हवा इतनी भरनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लगी इसमें, वरना वैसे तो प्रॉपर सही काम कर रहा है। बस मेरे को यही दिक्कत लगी इसमें सबसे ज़्यादा। एक बार और दोबारा यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है गाड़ी का, और यहाँ पे जहाँ मोबाइल का प्लग होल्डर लगता है इस टाइप का चार्जिंग केबल USB के बगल में जो रहता है, यहाँ पर लगाना है इसको, और यहाँ से फिर इसको जो है पहले इसको अपने को इसमें सेट कर लेना है। इसमें सेट करने के बाद में ये बटन जो है ऑफ ही रहने देना है, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे PSI लिखा होगा, तो PSI पे सेट कर रहे हैं, वो RR से होगा, ये R जो लिखा है R को दबाए रखेंगे तो ये 12 हो गया, ये KPA हो गया, ये किलोग्राम हो गया KG मतलब, और ये PSI हो गया। यहाँ पे PSI पे यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं इसको और यहाँ से घटा सकते हैं, तो बहुत ही इजी है यूज़ करना। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।